आईपीएल के 14वें सीजन में बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 16 आपको बता दें माफ करिएगा 6 रन से यहां पर शानदार जीत दर्ज की है। और इस दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली को आईपीएल की आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। एक रिपोर्ट देखिए। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन में बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 6 रन से शानदार जीत दर्ज की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम से काफी रोमांचक शॉट्स देखने को मिले, लेकिन इस जीत के बाद आरसीबी की मुश्किलें बढ़ सकती है। हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में आरसीबी के कप्तान विराट कोहली द्वारा आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ने का मामला सामने आया है। बता दें कि मैच के बाद विराट कोहली का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में विराट कोहली ने आउट होने के बाद पवेलियन में पहुंचकर गुस्से में कुर्सी पर बल्ला दे मारा था। विराट कोहली का यह कदम आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। बता दें कि कोहली को आईपीएल की आचार संहिता के तहत दोषी पाया गया है। इस नियम के तहत क्रिकेट उपकरण के अलावा मैदान के सामान को नुकसान पहुंचाने जैसे मामले आते हैं। हालांकि कोहली ने आईपीएल की आचार संहिता के तहत अपराध को स्वीकार कर लिया है। इसके लिए मैच रेफरी का फैसला अंतिम और सर्वमान्य होता है। विराट कोहली की टीम के लिए हालांकि बुधवार का दिन अच्छा रहा। विराट कोहली की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 149 रन का स्कोर खड़ा किया था। सनराइजर्स हैदराबाद को आखिरी 4 ओवर में जीत के लिए 38 रन की जरूरत थी, लेकिन तभी मैच का पासा पलट गया और अंत में विराट कोहली की टीम 6 रन से मैच जीतने में कामयाब हो गई। विराट कोहली की टीम ने 14वें सीजन में अपने शुरुआती दोनों मैचों में जीत दर्ज की है। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। और बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।